हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं लेजर लाइट, जिसको हम ओपन करके दिखाएंगे। इसके अंदर जो लेज़र होती है वो कितनी बड़ी होती है और इसमें क्या क्या पार्ट लगे होते हैं। इसमें सेल निकाल लेते हैं। पहले इसका फ्रंट वाला और बैक वाला कैप निकाल दिया हमने, और इसके फ्रंट वाले पार्ट में ये प्लास्टिक लगी हुई है, इसको भी खोल लेते हैं। और के इसके अंदर जो लेंस लगा हुआ है छोटा सा, और इसके बाद ये स्प्रिंग है इसके अंदर, उसको टेंशन देने के लिए लगाया हुआ है। इसको दोस्तों हम कट कर लेते हैं। और ये खुल चुका है। थोड़ा सा और हम इसको खोलना पड़ेगा। हमें रिक्वेस्ट करूँगा जिन दोस्तों ने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके। ये सारा पार्ट सिल्वर का होता है, ये इजीली कट हो जाता है। ये और ये स्प्रिंग लगा हुआ है इसके साथ, सेल के साथ लगने के लिए। इसका जो बॉडी पार्ट होता है दोस्तों, जो वो पॉजिटिव होता है, और सेंटर वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव होता है। स्विच के आगे लगाएं, स्विच के पीछे, ये स्विच पुश करने पे ही वर्क करेगा। ये देखिए, और ये ऐसे जलता है ये लेज़र वाला पार्ट इसका। एक बार आपको निकाल के भी दिखा देते हैं अच्छे से। और ये है दोस्तों इसका लेज़र वाला पार्ट। एक इसमें पुश स्विच लगा हुआ है, कुछ रेजिस्टेंस है इसमें। कोशिश करें आप इसको नंगी आंख से मत देखें, क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता है। ये मैं आपको कैमरे में दिखा देता हूँ। जैसे कि टिनी एलईडी होता है, वैसे ही होता है ये, किसी भी एसएमडी जैसे होते हैं। इसको भी हम कट कर देते हैं। और ये बिल्कुल ओपन हो चुका है दोस्तों। ये पीसीबी के ऊपर ही, इन्होंने पीसीबी प्रिंट के ऊपर ही इसको लगाया हुआ है। ये देखिए, और ये दोस्तों हम इसको फिर से लगा के देखते हैं। वोल्टेज देके देखते हैं इसको कैसे वर्क करता है। अच्छे से हमारा कॉन्टेक्ट अभी नहीं लगा हुआ है, फिर से लगा के देखते हैं। और ये देखिए ऐसे, ये बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। ये होता है दोस्तों लेज़र लाइट। इसके अंदर कुछ ज़्यादा पार्ट नहीं है। ये देखिए, इसको जूम करके भी दिखा देते हैं आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।